इस पूर्व में कहे हुए कारण से ही दक्षिण अब अयन में मरने वाला का भी ब्रह्मलोक में गमन हो जाता है। व्याख्या, पूर्व सूत्र के कथनानुसार जिस प्रकार रात्रि के समय सूर्य की रश्मियों से संबंध हो जाने में कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायन काल में भी कोई बाधा न होने से वह विद्वान सूर्यलोक के मार्ग से जा सकता है। इसलिए यही समझना चाहिए कि दक्षिणायन के समय शरीर छोड़कर जाने वाला महापुरुष भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से सूर्यलोक के द्वार से तत्काल ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। भीष्म आदि महापुरुषों के विषय में जो उत्तरायण काल की प्रतीक्षा का वर्णन आता है, उसका संशय आशय ये हो सकता है कि भीष्म जी वसु देवता थे, उसको देवलोक में जाना था और दक्षिणायन के समय देवलोक में रात्रि रहती है, इसलिए वे कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। संबंध यह ही जिज्ञासा होती है कि अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीलोक पीछे न लौटने वाले और पीछे लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, वह काल में मैं तुझे बताता हूँ। गीता अध्याय 8। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि कालों को तो अपुनरावृत्ति कारक बताया गया है तथा रात्रि और दक्षिणायन आदि को पुनरावृत्ति का काल नियत किया गया है। फिर यहाँ कैसे कहा गया कि रात्रि और दक्षिणायन में भी देहत्याग करने वाला विद्वान ब्रह्मलोक में जा सकता है? इस पर कहते हैं, इसके सिवा योगी के लिए ये काल विषयक का नियम स्मृति में कहा जाता है तथा वहाँ कहे हुए ये अपुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति दोनों मार्ग स्मार्त है। व्याख्या, गीता में जिन दो गतियों का वर्णन है वे स्मार्त अर्थार्थ श्रुति वर्णित मार्ग में भिन्न है, इसके सिवा ये वे योगी के लिए कहे गए हैं। इस प्रकार विषय का भेद होने के कारण वहाँ आवृत्ति और अनावृत्ति के लिए नियत किए हुए काल विशेष से इस श्रुति निरूपित गति में कोई विरोध नहीं आता। जो लोग गीता के श्लोक में काल शब्द के प्रयोग से दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उत्तरायण दक्षिणायन इन शब्दों को कालवाचक मानकर उससे काल विशेष को ही ग्रहण करते हैं, उन्हीं के लिए ये समाधान किया गया है। किंतु यदि उन शब्दों का अर्थ लोकांतर में पहुंचने वाले उन लोगों के अभिमानी देवता मान लिया जाए तो श्रुति के वर्णन से कोई विरोध नहीं है। तीसरा पाद में ये बताया गया कि ब्रह्मलोक में जाने के मार्ग का आरंभ होने से पूर्व तक की गति वाणी का मन में लय होना आदि विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए एक समान है। फिर अविद्वान कर्मानुसार संसार में पुनर्नूतन शरीर ग्रहण करता है और ज्ञानी महापुरुष ज्ञान से प्रकाशित मोक्ष नाड़ी द्वार का आश्रय ले सूर्य की रश्मियों द्वारा सूर्यलोक में पहुंचकर वहां से ब्रह्मलोक में चला आ जाता है। रात्रि और दक्षिणायन काल में भी विद्वान की इस उद्भगति में कोई बाधा नहीं आती, किंतु ब्रह्मलोक में जाने का जो मार्ग है उसका वर्णन कहीं अर्ची मार्ग, कहीं उत्तरायण मार्ग और कहीं देवयान मार्ग के नाम से किया गया है तथा इन मार्गों के चिन्ह भी भिन्न भिन्न बताए गए हैं। इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि उपासना और अधिकारी के भेद से ये मार्ग भिन्न भिन्न है या एक ही मार्ग के ये सभी नाम है। इसके सिवा मार्ग में कहीं तो नाना देवताओं के लोगों का वर्णन आता है, कहीं दिन पक्ष मास अयन और संवत्सर का वर्णन आता है और कहीं केवल सूर्य रश्मियों को तथा सूर्यलोक का ही वर्णन आता है। ये वर्णन का भेद एक मार्ग मानने से किस प्रकार संगत होना होगा, अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अर्ची से आरंभ होने वाले एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ये एक ही मार्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। व्याख्या, श्रुतियों में ब्रह्मलोक में जाने के लिए विभिन्न नामों से जिसका वर्णन किया गया है वह एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। उस मार्ग का प्रसिद्ध नाम अर्ची आदि है, क्योंकि वह अर्ची से प्रारंभ होने वाला मार्ग है। इसके द्वारा ही ब्रह्मलोक में जाने वाले सब साधक जाते हैं। इसी का देवयान उत्तरायण मार्ग आदि नामों से वर्णन आया है तथा मार्ग में आने वाले लोगों का जो वर्णन आता है वह कहीं
कम है कहीं अधिक है उन स्थलों में जहाँ जिस लोक का वर्णन नहीं किया गया है वहाँ उसका अन्यत्र के वर्णन से अव्यवहार अध्याहार कर लेना चाहिए। संबंध एक जगह कहे हुए लोगों का दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं, वायलोक को संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले समझना चाहिए क्योंकि कहीं वायु का वर्णन समान भाव से है और कहीं विशेष भाव से है। व्याख्या एक श्रुति कहती है, जो इस प्रकार ब्रह्म विद्या के रहस्यों को जानते हैं तथा जो वन में रहकर श्रद्धापूर्वक सत्य की उपासना करते हैं वे अर्चि मतलब ज्योति अग्नि अथवा सूर्य किरण को प्राप्त होते हैं। अर्चि से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 महीनों को, 6 महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से सूर्य को, सूर्य से चंद्रमा को तथा चंद्रमा से विद्युत को, वहाँ से अमानव पुरुष इसको ब्रह्म के पास पहुँचा देता है वह देवयान मार्ग है। दूसरी श्रुति का कथन है, जब यह मनुष्य इस लोक में ब्रह्मलोक को जाता है तब वह वायु को प्राप्त होता है। वायु उसके लिए रथ चक्र के छिद्र की भांति रास्ता दे देता है। उस रास्ते से वह ऊपर चढ़ता है, फिर वह सूर्य को प्राप्त होता है। वहां उसे सूर्य लंबर नाम के वाध में रहने वाले छिद्र के सदस्य रास्ता दे देता है। उस रास्ते से ऊपर उठकर वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। चंद्रमा उसके लिए नगारे के छेद के सदस्य रास्ता दे देता है। उस रास्ते से ऊपर उठकर वह शोक रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वह अनंत काल तक निवास करता है, उसके बाद ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तीसरी श्रुति कहती है, वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्निलोक में जाता है, फिर वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक और तथा प्रजापति लोक में होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है। इन वर्णों में वायुलोक का वर्णन 2 श्रुतियों में आया है। कोसित की उपनिषद में तो केवल लोकों का नाम मात्र कह दिया, विशेष रूप से क्रम का स्पष्टीकरण नहीं किया, किंतु बृहदारण्यक में वायुलोक में सूर्यलोक में उन्हें का जाने का उल्लेख स्पष्ट है। अतः अर्चि से आरंभ करके मार्ग का वर्णन करने वाली छांदोपनिषद की श्रुति में अग्नि के स्थान में तो अर्चि कही है परंतु वहाँ वायुलोक का वर्णन नहीं है, इसलिए वायुलोक को संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले मानना चाहिए। संबंध वरुण इंद्र और प्रजापति लोगों का भी अर्चि आदि मार्ग में वर्णन नहीं है तो उसको किसके बाद समझना चाहिए जिज्ञासा पर कहते हैं, विद्युत से ऊपर वरुण लोक समझना चाहिए क्योंकि उन दोनों का परस्पर संबंध है। व्याख्या, वरुण जल का स्वामी है, विद्युत का जल से निकटतम संबंध है, इसलिए विद्युत के ऊपर वरुण लोक की स्थिति समझनी चाहिए। इसके बाद इंद्र और प्रजापति के लोगों की स्थिति भी उस श्रुति में कहे हुए कर्मानुसार समझ लेनी चाहिए। इस प्रकार सब श्रुतियों की एकता हो जाएगी और एक मार्ग मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं रहेगा। संबंध अर्चिरादि मार्ग में जो अर्चि अह पक्ष अयन संवत्सर अवायु और विद्युत आदि बताए गए हैं वे जड़ है या चेतन इस जिज्ञासा पर कहते हैं, वे सब साधकों को एक दूसरे से दूसरे मार्ग स्थान पर पहुंचा देने वाले तो उन लोगों के अभिमानी पुरुष हैं क्योंकि श्रुति में वैसा ही लक्षण देखा जाता है। व्याख्या, अर्चि अह आदि शब्दों द्वारा कहे जाने वाले ये सब उन नाम और लोकों में अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं। इनका काम ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देना है, इसलिए इसको अतिवाहिक कहते हैं। विद्युत लोक में पहुंचने पर अमानव पुरुष उस ज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। उसके लिए जो अमानव विशेषण दिया गया है उससे सिद्ध होता है कि उसके पहले जो अर्चि आदि को प्राप्त होना कहा गया है वे उन लोगों के अभिमानी देवता मानवाकार पुरुष हैं। वे भी दिव्य ही परंतु उसकी आकृति मानवों जैसी है। संबंध इस प्रकार अभिमानी देवता मानने की क्या आवश्यकता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, दोनों के मोहयुक्त होने का प्रसंग आ जाता है, इसलिए उसको अभिमानी देवता मानने से ही उसके द्वारा ब्रह्मलोक तक ले जाने का कार्य सिद्ध हो सकता है, अतः वैसा ही मानना चाहिए।
व्याख्या यदि अर्चि आदि शब्दों से उसके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें ज्योति और विशेष लोक विशेष रूप जड़ पदार्थ मान ले तो दोनों के ही मोहयुक्त मार्ग ज्ञान शून्य होने से ब्रह्मलोक तक पहुंचना ही संभव न होगा, क्योंकि गमन करने वाला जीवात्मा तो वहां के मार्ग से परिचित है नहीं। उसको आगे ले जाने वाले अर्ची आदि भी यदि चेतन न हो तो मार्ग को जाने वाला लोग कोई न रहने से देवयान और पितृयान का मार्ग ज्ञान होना असंभव हो जाएगा। इसलिए अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवताओं का वर्णन मानना आवश्यक है, तभी उसके द्वारा ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का कार्य सिद्ध हो सकेगा। अतः मार्ग में जिन जिन लोगों का वर्णन आया है उसके उन लोगों के अधिष्ठाता देवताओं को ही समझना चाहिए। उसके लोकों से अगले लोक में पहुंचा देना ही उसका काम है। संबंध विद्युत लोक के अंतर ये कहा जाता है कि वह अमानव पुरुष उसको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। तब बीच में आने वाले वरुणों इंद्र और प्रजापति के लोकों के अभिमानी देवताओं का क्या काम है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं वहां से आगे ब्रह्मलोक तक विद्युत लोक में प्रकट हुए अमानव पुरुष द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि वैसा ही श्रुति में कहा है। व्याख्या वहां से उसको वह विद्युत लोक में प्रकट हुआ अमानव पुरुष ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि विद्युत लोक से आगे ब्रह्मलोक तक वही विद्युत लोक में प्रकट अमानव पुरुष उसको पहुंचाता है। बीच के लोकों के भी जो अभिमानी देवता हैं उसका इतना ही काम है कि वे अपने लोक में होकर जाने के लिए उसको मार्ग दे और अन्य आवश्यक सहयोग करे। संबंध ब्रह्म विद्या का उपासक अधिकारी विद्वान वहां ब्रह्मलोक में जिसको प्राप्त होता है वह परब्रह्म है या सबसे उत्पन्न होने वाला ब्रह्म। इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यह पहले बादरी आचार्य की ओर से 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक उसके पक्ष की स्थापना की जाती है। आचार्य बादरी का मत है कि कार्य ब्रह्म को अर्थात हिरण्यगर्भ को प्राप्त होते हैं, क्योंकि गमन करने के कथन की उत्पत्ति इस कार्य ब्रह्म के लिए ही हो सकती है। व्याख्या श्रुति में जो लोकांतर में गमन का कथन है वह परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उसको पाने के लिए लोकांतर में जाने की क्या आवश्यकता है। अतः यही सिद्ध होता है कि इन ब्रह्म विद्याओं की उपासना करने वालों के लिए जो प्राप्त होने वाला ब्रह्म है वह परब्रह्म नहीं किंतु कार्य ब्रह्म ही है, क्योंकि इस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोकांतर में जाकर उसे प्राप्त करने का कथन सर्वथा युक्ति संगत है। संबंध प्रकरण से उस अपने पक्ष को दृढ़ करते हैं तथा विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है कि इसलिए भी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित है। व्याख्या और मानव पुरुष उसको ब्रह्मलोक में ले जाता है, इस श्रुति में ब्रह्मलोक में पहुंच बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा ब्रह्मलोक में ले जाने की बात कही गई है, ब्रह्म को प्राप्त होने की बात नहीं कही गई है। इस प्रकार विशेषण विशेष रूप से स्पष्ट कहा जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह लोकों का स्वामी है। अतः भोग्य भूमि अनेक होने के कारण लोकों के साथ बहुवचन का प्रयोग उचित ही है। संबंध दूसरी स्तुति में जो ये कहा है कि वह अमानव पुरुष इसको ब्रह्म के समीप ले जाता है वह कथन कार्य ब्रह्म मानने से उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रुति का उद्देश्य यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति बताना होता तो ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है, ऐसा कथन होना चाहिए। इस पर कहते हैं वह कथन तो ब्रह्म की समीपता के कारण ब्रह्म के लिए ही हो सकता है। व्याख्या जो सबसे पहले ब्रह्म को रचता है तथा जो उसको समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, परमात्मा ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वर की मैं मुमुक्ष साधक शरण ग्रहण करता हूँ। श्वेताष्टमी इस श्रुति कथन से सूत्र के कथन के अनुसार ब्रह्म उस ब्रह्म का पहला कार्य होने के कारण ब्रह्म को
ब्रह्मा को ब्रह्म कहा गया है ऐसा मानना युक्ति संगत हो सकता है। संबंध गीता में कहा है कि ब्रह्मा के लोक तक सभी लोक पुनरावृत्तिशील हैं, गीता अध्याय 8। इस प्रसंग में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर वहाँ जाने वाले का वापस लौटना अनिवार्य है और श्रुति में देवयान मार्ग से जाने वालों का वापस न लौटने का स्पष्ट कहा गया। इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति न मानकर पर ब्रह्म की प्राप्ति माननी ही उचित मालूम होती है। इस पर बाद्री की ओर से कहा जाता है कि कार्य रूप ब्रह्म लोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित इससे श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने का कथन है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं होगी। व्याख्या जिन्होंने उपनिषदों के विज्ञान द्वारा उनके अर्थभूत परमात्मा का भलीभांति निश्चय कर लिया है तथा कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक ब्रह्मलोक में जाकर अंतकाल में परम अमृत स्वरूप होकर भलीभांति मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रुति में उन सब की मुक्ति का कथन होने से ये सिद्ध होता है कि प्रलय काल में ब्रह्मलोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित वहाँ गए हुए ब्रह्म विद्या के उपासक भी परब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। संबंध स्मृति प्रमाण से अपने पक्ष को पुष्ट करते हैं। स्मृति प्रमाण से यही बात सिद्ध होती है कि वे सब शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष प्रलय काल प्राप्त होने पर समस्त जगत के अंत में ब्रह्म के साथ उस परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रुति में भी यही भाव प्रदर्शित किया है, इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है। संबंध यहाँ तक बाद्री के पक्ष की स्थापना करके सब अब उसके उत्तर में आचार्य जैमिनी का मत उद्घट करते हैं। आचार्य जैमिनी का कहना है कि शब्द ब्रह्म का मुख्य वाच्यार्थ होने के कारण परब्रह्म को प्राप्त होता है, यही मानना युक्ति संगत है। व्याख्या वह अमानव पुरुष इसको ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है। इसकी श्रुति के इस वाक्य में कहा हुआ ब्रह्म शब्द मुख्यतः परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, इसलिए अर्ची आदि इस मार्ग से जाने वाले परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। जहाँ मुख्य अर्थ की उपयोगिता नहीं हो वही गौण अर्थ की कल्पना की जा सकती है। मुख्य अर्थ की उपयोगिता रहते हुए नहीं, वह परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होने पर भी उसके परम धाम का प्रतिपादन और वहाँ विद्वान उपासकों के जाने का वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में गीता में जगह जगह किया गया है, इसलिए उसके विशेष लोक विशेष में गमन करने के लिए कहना कार्य ब्रह्म का घोतक नहीं है। बहुवचन का प्रयोग भी आदि के लिए किया जाना संभव है तथा उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने लिए रचे हुए अनेक लोगों का होना भी कोई असंभव बात नहीं है। तो सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसी के परम धाम में जाते हैं तथा परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। संबंध प्रकरण से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं। श्रुति में जगह जगह गति पूर्वक परब्रह्म की प्राप्ति देखी गई है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। व्याख्या उनमें से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊपर उठकर अमृतत्व को प्राप्त होता है, वह संसार के उस पार विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसके सिवा सुषुम्ना नाड़ी द्वारा शरीर से निकलकर जाने का वर्णन कठोपनिषद में भी वैसा ही आया है। इस प्रकार जगह जगह गति पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति श्रुति में प्रदर्शित की गई है, इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान मार्ग से द्वारा जाने वाला ब्रह्म विद्या के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, न कि पर कार्य ब्रह्म को। संबंध प्रकरण से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं। इसके सिवा उस ब्रह्म विद्या के उपासकों का प्रति विषयक संकल्प भी कार्य ब्रह्म के लिए नहीं है। व्याख्या इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासकों का जो प्राप्ति विषयक संकल्प है वह कार्य ब्रह्म के लिए नहीं है, अपितु परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए उसकी साधना में प्रवृत्ति देखी गई है, इसलिए भी उसको कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, परब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। श्रुति में जो ये कहा गया कि वे प्रजापति के सभा भवन को प्राप्त होते हैं, उस प्रसंग में भी उपासक का लक्ष्य प्रजापति के लोक में रहना नहीं है किंतु परब्रह्म के परमधाम में जाना ही है, क्योंकि वहाँ जिस यशो
जिस यशो के यश यानी महायश का वर्णन है वह ब्रह्म का ही नाम है, ये बात अन्यत्र श्रुति में कही गई है तथा उसके पहले प्रसंग में भी यही सिद्ध हो सकता है कि वहाँ साधक का लक्ष्य परब्रह्म की ही है, साधक का लक्ष्य परब्रह्म ही है। संबंध इस प्रकार बादरी के पक्ष की और उसके उत्तर की स्थापना करने करके अब सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धांत का वर्णन करते हैं। वाणी आदि प्रतीक का अवलंबन करके उपासना करने वाले के सिवा अन्य सब उपासकों को ये अर्ची आदि देवयान मार्ग से ले जाते हैं, अतः दोनों प्रकार से मानने में कोई दोष न होने के कारण उसके संकल्पनानुसार परब्रह्म को और ब्रह्म कार्य ब्रह्म को प्राप्त करना सिद्ध होता है, ये व्यासदेव कहते हैं। व्याख्या, आचार्य बद्रायण अपना सिद्धांत बताते हुए ये कहते हैं कि जिस प्रकार वाणी आदि में ब्रह्म की प्राप्ति उपासकों का वर्णन है, उस प्रकार दूसरी दूसरी वैसी उपासनाओं का भी उपनिषदों में वर्णन है। उन उपासनाओं के सिवा जो ब्रह्मलोक के भोगों को स्वेच्छानुसार भोगने की इच्छा वाले कार्य ब्रह्म के उपासक हैं और जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को उनकी भावना के अनुसार कार्य ब्रह्म के भोग संपन्न लोकों में और परब्रह्म परमात्मा के परमधाम में दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा देता है। इसलिए दो प्रकार की मान्यता में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपासना का संकल्प ही इस विशेषता में कारण है। श्रुति में भी ये वर्णन स्पष्ट है कि जिनको परब्रह्म के परम धाम में पहुंचाते हैं उसका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मा के लोक में होकर ही है, अतः जिसके अंतकरण में लोकों में रमण करने के संकल्प होते हैं उसको वहां छोड़ देते हैं, जिसके मन में वैसे भाव नहीं है होते उसको परम धाम में पहुंचा देते हैं, परंतु देवयान मार्ग से गए हुए दोनों प्रकार के ही उपासक वापस नहीं लौटते। संबंध, प्रतीकोपासनाओं को अर्ची मार्ग से नहीं ले जाना का क्या कारण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं इसका विशेष कारण भी श्रुति दिखलाती है। व्याख्या, वाणी आदि प्रतीकोपासनाओं को देवयान मार्ग के अधिकारी क्यों नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन उपासनाओं के विभिन्न फल का वर्णन करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखलाती है। वाणी में प्रतीकोपासना का फल जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक इच्छानुसार विचरण करने की शक्ति बतलाया गया है, इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाओं का अलग अलग फल बताया है। सबके फल में एकता नहीं है, इसलिए वे उपासक देवयान मार्ग में न तो कार्यब्रह्म के लोक में जाने के अधिकारी है और न परब्रह्म परमात्मा के परमधाम में ही जाने के अधिकारी है, अतः उस मार्ग के अधिकारी देवताओं का अर्ची मार्ग से उसको न ले जाना उचित ही है। तीसरा पाठ संपूर्ण।